ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को मिला वीर चक्र, मार गिराया था पाकिस्तानी फाइटर प्लेन। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। हरे निशान में खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 511 अंक टूटकर खुला। कोरोना संक्रमितों की घटी संख्या, देश में 1,18,443 एक्टिव केस। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर 83 किलो का लड्डू बना आकर्षण का केंद्र, बना लड्डू, तस्वीरें हुई वायरल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सोमवार को बोधित्व कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से संवाद करेंगे। प्रदेश की परिस्थिति और आर्थिक पर आधारित विकास का मॉडल तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार जन संवाद किया जा रहा है। नियोजन विभाग के निर्देशक मनोज पंत ने बताया कि सोमवार को सीएम आवास में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद करेंगे। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट की ओर से संचालित संवाद श्रृंखला को बोधित्व कार्यक्रम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत सोमवार को हरिद्वार जिले के खानपुर पहुंचेंगे। यहां दोपहर 12:30 बजे तुगलपुर खानपुर से खानपुर थाने तक महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में तिरंगा न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले हरीश रावत ने देहरादून जिले के डोईवाला में भी पदयात्रा का सरकार से पेराई सत्र से पहले नया गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की थी। कहा था कि भाजपा सरकार महंगाई को नियंत्रण और रोजगार देने में विफल साबित हुई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में प्रदेश में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 8 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 11 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं देहरादून में 8 और हरिद्वार में 3 में संक्रमण मिले हैं। साथ ही उत्तराखंड में 33,351 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,44,106 के पार हो गया है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन कोरोना के मामले हरिद्वार और देहरादून से अभी भी सामने आ रहे हैं। 33,351 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं और जो आंकड़ा है अब वो बढ़ता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। जहां उत्तराखंड में 33,351 लोग डिस्चार्ज हुए, तो वहीं कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,44,106 को पार कर गया है। कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया है कि लगभग 11 जिलों में, जिसमें से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं, तो वहीं देहरादून में 8 और हरिद्वार में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो अभी भी लोगों को चेतावनी दी जा रही सरकार की तरफ से कि ढिलाई ना करें, मास्क का उपयोग जरूर करें और सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है और अब स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां 8 मामले सिर्फ देहरादून से ही सामने आए हैं और 3 हरिद्वार में मिले हैं, जबकि 11 जिलों में एक भी मामला नहीं मिला है। हालांकि बीते दिन एक भी संक्रमित मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है।
चमोली में विगत अक्टूबर महीने में हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से सोलपट्टी के रुईसाण ग्राम पंचायत के भीतलगाड़ी तोक में लोगों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से आर्थिक सहयोग दिए जाने की गुहार लगाई है। ग्रामीण बताते हैं कि अभी तक तहसील प्रशासन की ओर से नुकसान का स्थलीय निरीक्षण तक नहीं किया गया है। तो हमारे यहाँ पे रिछाण ग्राम सभा के भीतलगाड़ी तोप में ये 19-20 अक्टूबर को जो भारी अतिवृष्टि बारिश हुई थी उसके कारण पूरा स्लाइड जोन बन गया है। कई लोगों के घर, गौशालाएँ, शौचालय सारे टूट कर ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ घर और गौशालाएँ टूटने के जद में हैं। क्योंकि आज आप हमारी ग्राम सभा रिछाण में आ रखे हैं, बहुत दूर का इलाका है और यहाँ पे जो हमारी समस्या है, मेन समस्या है कि जो हमारा ये भूखलन हुआ था, बीच में जो आपदा आई थी उस समय जो है कि हमारा एक भीतलगाड़ी तोक है और दूसरा हमारा चमोली जिले में हुई चार चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से गहने समेत रुपए भी बरामद किए गए हैं। चोरी का खुलासा करने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया, जबकि एसपी ने पुलिस टीम को इनाम देने की भी घोषणा की है। थाना कर्णप्राग क्षेत्र लगातार हो रही चोरियों के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई। टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जिसका नाम संजय तिवारी पुत्र जगन्नाथ निवासी नत्थनपुरा जिला सिवान बिहार है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी को बुलाया गया। देहरादून में किसान भवन में सरकार द्वारा खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था न कर पाने पर सभी जनप्रतिनिधियों का गुस्सा चरम पर है। बता दें कि रात के ठंड में उत्तराखंड के सभी जनप्रतिनिधि बाहर गुजारा कर रहे हैं। सभी पंचायत जनप्रतिनिधि का आरोप है कि सरकार ने उन्हें वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी किसान भवन देहरादून में बुलाया है, जहां पर सरकार ने उनके खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था नहीं की है। यहां तक कि बासी भोजन परोसा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए कहीं भी रजाई कंबल की व्यवस्था नहीं है, जिससे रात सड़क पर ही जनप्रतिनिधि गुजार रहे हैं। कोटाबाग ब्लॉक के निवासी दीपक अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए संगीत के क्षेत्र में अपने गांव चांदीपुर से संसाधनों के अभाव में भी वो कुमाऊनी संगीत को नया आयाम देना चाहते हैं। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका रुझान है। इसी क्रम में दीपक ने हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज से संगीत में परस्नातक तक की पढ़ाई पूरी की है। वही गाँव के परिवेश से संगीत के क्षेत्र में जाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उनके द्वारा निर्देशित किए गए गानों के लिए वो संगीत लिरिक्स कलाकारों को चयन और जटिल प्रक्रियाओं के उपरांत अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर फैलाना चाहते हैं। सर, मेरा नाम दीपक कुमार और मैं यहाँ पर कोटाबाग शहर में नैनीताल जिले में कोटाबाग के चांदपुर गांव से निवासी हूँ यहाँ पर। और संगीत में मेरी बचपन से रुचि है और संगीत का रुझान बचपन से मेरे अंदर है। अभी मैंने कुछ गाने नए निकाल रखे हैं, जिसमें अपने उत्तराखंड की संस्कृति को उजागर करने की एक छोटा सा प्रयास किया है सर, जिसमें हमारे जो संस्कृति है किसी भी रूप से छिपे ना, हमारी पहाड़ की संस्कृति दुनिया भर में जागृत रहे, जिससे हमारा जो पुराना कल्चर है वो मिटे ना, इसलिए मैंने कुछ गाने अपने इसमें निकाले हैं।
उत्तराखंड के छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए उद्यान विभाग ने अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसानों को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। भारत सरकार जापान की मदद से 526 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से प्रथम चरण में उत्तराखंड के जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में उद्यान विभाग छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए जापानी तकनीक से फल सब्जी मसाले की खेती करने और उनमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह फोकस करने की तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर जनपद में स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नेतृत्व में श्रीनगर, कोटद्वार सहित राजकीय पॉलिटेक्निक पौड़ी, एजेंसी चौक पौड़ी, बस स्टेशन पौड़ी में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का सदुपयोग करने और नए मतदाताओं का नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ने के लिए जागरूक किया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।